हेलो फ्रेंड्स, हाइलुरोनिक एसिड स्किन केयर का सबसे खास इंग्रेडिएंट बन चुका है क्योंकि ये हमारे स्किन के मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। हाइलुरोनिक एसिड हमारी स्किन में नेचुरली प्रेजेंट होता है और 20 इयर्स की एज के बाद कम होने लगता है। इसीलिए जो 20 इयर्स और अबव है उनके लिए एचए को एक्सटर्नली ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एचए अपने वेट से 1000 टाइम्स ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए इसे मॉइस्चर मैग्नेट भी कहते हैं। इसीलिए लॉरियल पेरिस ने लॉन्च की है एचए रेंज, जिसके हर प्रोडक्ट में है पावरफुल हाइलुरोनिक एसिड। प्रोडक्ट्स को सेम इंग्रेडिएंट के साथ लेयर करने से ये और भी असरदार होते हैं। एचए इज डर्मेटोलॉजिस्ट फेवरेट इंग्रेडिएंट एंड दे टू रेकमेंड इट टू बी एडिड इन वन स्किन केयर रूटीन। लॉरियल पेरिस हाइलुरोनिक एसिड रेंज में है चार प्रोडक्ट्स: एचए क्लेंजर, 1.5% एचए सीरम, प्लम्पिंग एचए जेल क्रीम और एचए फ्रेश मिक्स शीट मास्क। लॉन्च के बाद से ही एचए रेंज प्रोडक्ट्स को मैंने अपने स्किन केयर रूटीन में ऐड कर लिया था और अब मेरी स्किन पहले से बहुत सॉफ्ट, प्लम्प, रेडिएंट और हेल्दी दिखने लगी है। तो चलिए जानते हैं इन प्रोडक्ट्स के बारे में। लॉरियल पेरिस एचए हाइड्रेटिंग जेल क्लेंजर इस रेंज का सबसे लेटेस्ट प्रोडक्ट है। स्किन केयर में क्लेंजिंग को सबसे इम्पॉर्टेंट माना गया है। ये एक ऐसा फेस वॉश है जो स्किन को क्लेंज करता है और उसे प्लम्प और रेडिएंट बनाता है। इसका टेक्सचर क्रीमी है और अल्ट्रा फाइन फॉर्म स्किन पोर्स को डीपली क्लेंज करता है और स्किन से इम्प्योरिटीज और मेकअप रेजिड्यू हटाता है। ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है और सभी स्किन टाइप को सूट करता है, स्पेशली ड्राई स्किन, क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी स्किन को बिना ड्राई किए अच्छे से क्लेंज करती है। स्किन लुक्स फ्रेश एंड हाइड्रेटेड ओवर टाइम। मैंने मार्केट में अवेलेबल और भी एचए क्लेंजर्स ट्राई किए बट दिस वन रियली स्टैंड्स आउट। 1.5 एचए सीरम इस रेंज का सबसे पहला प्रोडक्ट है। ये सीरम आता है परफेक्ट 1.5% एचए कॉन्सेंट्रेशन के साथ, जो इस सीरम को बेस्ट बनाता है। ये लाइटवेट और नॉन स्टिकी है और स्किन में बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है। ये अल्कोहल, पैराबिन्स और फ्रेग्रेंस फ्री है, जो इसे सभी स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल बनाता है, इवन दिस सेंसिटिव वंस। एचए जेल क्रीम कुछ टाइम पहले ही इस रेंज में ऐड हुआ है। इसमें होता है माइक्रो हाइलुरोनिक एसिड, जो स्किन को डीपली हाइड्रेट करता है। इसका टेक्सचर ट्रांसलूसेंट पर्ली जेल की तरह है, वेरी स्मूथ, नॉन स्टिकी, इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। इट इज़ वेरी कंफर्टेबल ऑन स्किन एंड इज परफेक्ट फॉर आर काइंड ऑफ वेदर। इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करना बहुत ईजी है। पहले फेस और नेक को पानी के साथ गीला करना है और फिर एचए क्लेंजर अप्लाई करना है। थोड़ी देर सर्कुलर मोशन में मसाज करो और पानी से धो दो। क्लेंजिंग के बाद फेस को थोड़ा गीला छोड़ देना। 1.5% एचए सीरम के 3-4 ड्रॉप्स लेकर फेस पर डैब करना है। सीरम के बाद मटर के दाने के बराबर एचए जेल क्रीम लेनी है और फेस पर ऐसे डॉट डॉट करके लगाना है और पूरा एब्जॉर्ब होने तक मसाज करना है। इस प्रोसेस को मॉइस्चर सैंडविच कहते हैं। जेल क्रीम को सीरम के बाद अप्लाई करना चाहिए क्योंकि ये सीरम को स्किन में ट्रैप करके रखता है। अपनी स्किन को हाइलुरोनिक एसिड का फ्रेश बूस्ट देने के लिए मैं शीट मास्क का यूज़ वीक में 2-3 बार जरूर करती हूँ। बेस्ट रिजल्ट के लिए क्लेंजर, सीरम और जेल क्रीम का कॉम्बिनेशन दिन में 2 बार जरूर यूज़ करना चाहिए, जैसे मैं करती हूँ मॉर्निंग में और नाइट में। इन प्रोडक्ट्स के रेगुलर यूज से मेरी स्किन हाइड्रेटेड, रेडिएंट और प्लम्पी दिखने लगी है। आप लोग भी अपनी स्किन का टेक्सचर इम्प्रूव कर सकते हैं एचए रेंज की मदद से। सीरम 2 साइज़ में अवेलेबल है, 15 ml एट 499 एंड 30 ml एट 999। क्रीम भी 2 साइज़ में अवेलेबल है, 15 ml एट 499 एंड 50 ml एट 999। क्लेंजर भी 2 साइज़ में अवेलेबल है, 50 ml एट 175 एंड 100 ml एट 315। और हाँ, इम्पॉर्टेंट बात, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जल्दी जल्दी से चेक कर लो। Bye, I love you all.